हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम लिब्रे ऑफिस राइटर की कुछ बेसिक ऑप्शन डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले रहेगी पार्ट्स ऑफ द मेन विंडोज़, उसके बाद डॉक्यूमेंट व्यू, क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, सेविंग ए डॉक्यूमेंट एंड क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट एंड नेविगेटर ऑप्शंस। तो सबसे पहले जो स्टेप्स रहेंगे इसमें, वो एक एक स्टेप्स प्रैक्टिकली उसको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद जो इसके प्रैक्टिकल के स्टेप्स हैं वो वीडियो के अंत में आप नोट से नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर को कैसे ओपन करते हैं। तो जनरली इसके दो ऑप्शन हैं। आप सबसे पहले जो एक तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस का आइकन्स है बना हुआ है, इसके ऊपर सिंपली आप डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसके ऊपर सिंपली डबल क्लिक करें तो इस तरह से आपका जो लिब्रे ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस का जो मेन विंडोज़ है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप इस ऑप्शन पे सिंपल क्लिक करके राइटर डॉक्यूमेंट, यहाँ से आपका राइटर ओपन हो जाएगा। और सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड ऑप्शन में आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स, और उसके बाद आप लिब्रे ऑफिस 6.4 इस ऑप्शन पे क्लिक करें। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगी लिब्रे ऑफिस राइटर, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, आप जहाँ से भी इसको ओपन करना चाहते हैं आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो सिंपली डबल क्लिक और फिर राइटर डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरह से ये इसकी मेन इंटरफेस है जहाँ आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसका पहला टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ द मेन विंडोज़, इसके पार्ट्स डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहले ये ऑप्शन से ऊपर अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस राइटर, इसको टाइटल बार कहते हैं, ये आपका टाइटल बार है। और उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका मेनू बार है, मेनू बार, फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू, इंसर्ट। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो इसके अंदर जो इसके ऑप्शंस होते हैं वो आपके ओपन हो जाएगी, ये इसके ऑप्शंस है। और अगर आप इसमें इस तरह से क्लिक करें तो इसके आगे जो ऑप्शंस खुल रहे हैं ये आपके सब ऑप्शंस है। उसके बाद जो इसके नीचे ऑप्शंस रहती है आपका स्टैंडर्ड टूल बार है, स्टैंडर्ड टूल बार में आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपके टॉपिक्स आगे होते रहेंगे ये खुद पे खुद ऑप्शंस आपके क्लियर होती रहेगी। इसके बाद जो दूसरा टूल बार है वो आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है, ये फॉर्मेटिंग टूल बार है, इसको आप इजीली दोबारा स्विच कर सकते हैं वापस, वैसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजीली आप इसको ऊपर स्विच कर सकते हैं। इसके बाद नीचे ऑप्शन से आपका रूरल, ये आपका रूलर है, इसको सिंपली स्केल भी कहा जा सकता है, जहाँ आपकी कर्सर की पोजीशंस होगी वहाँ इसमें आप इजीली इसको स्केल कर सकते हैं। इसके बाद जो नीचे वाला एरिया है जिसमें मैं टाइप कर रहा हूँ, ये आपका वर्किंग एरिया है, ये आपका पेज है, और पेज के नीचे जो आपका ऑप्शन है ये नीचे जो ये आपकी विंडोज़ दिख रही है, पेज वन ऑफ वन, वन वर्ड्स, 18 करेक्टर्स, ये आपका स्टेटस बार है। डॉक्यूमेंट के ऊपर जो भी आप काम करते रहेंगे, नंबर ऑफ करेक्टर्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, आपका स्टाइल कौन सा है, आपकी लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुई है, किस लैंग्वेज में आप टाइप कर रहे हैं, तो ये आप स्टेटस बार में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। उसके बाद ये जो साइड में ऑप्शन है ये आपके पास वर्टिकल स्क्रोल बार है, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा जूम करें, यहाँ से ये जो ऑप्शन है नीचे जो दिख रही है, अगर इसको आप यहाँ से जूम करें तो इसके बाद आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ से आप इसको हॉरिजॉन्टली इधर उधर अपने डॉक्यूमेंट्स को मूव कर सकते हैं। तो सिंपली आपने वापस उसी पोजिशन पे इसको लाना है, ये आपका। तो ये कुछ इसके पार्ट्स ऑफ मेन विंडोज़ है। इसके बाद ऑप्शन से आपका, इसके बाद हम कुछ इसमें डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट राइट करते हैं फिर आगे। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट राइटिंग कैसे करेंगे आप, तो इसके लिए मैं एमएस वर्ड को ओपन करता हूँ। यहाँ एक ऑप्शन आपने यूज़ करना है, यहाँ लिखना है इक्वल रेंट और ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर ऑफ पैराग्राफ कितने चाहिए आपने टाइप करना है 10, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, और एक पैराग्राफ के अंदर आपको कितनी लाइंस चाहिए, जैसे आपको एक पैराग्राफ के अंदर 7 लाइन चाहिए, तो इस तरह से आप एंटर करें, इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे टाइप हो जाएगा। अब सिंपली आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, राइट क्लिक, कॉपी, और लिब्रे ऑफिस राइटर में आपने इसको
पेस्ट करना है, कंट्रोल वी। इस तरह से आपका टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो डॉक्यूमेंट व्यू, व्यू जो व्यू ऑप्शंस है वो आपको यहाँ मिलेगी, इसमें व्यू में आपको जाना पड़ेगा। व्यू से आपको डॉक्यूमेंट का व्यू देख सकते हैं। तो जनरली जो आपका अभी व्यू चला हुआ है यही आपका प्रिंट लेआउट व्यू है। तो यहाँ आप ये जो नॉर्मल व्यू चला हुआ है यही नॉर्मल व्यू है आपका। नॉर्मल व्यू में आपका डॉक्यूमेंट इस तरह से आप देख सकते हैं। तो दूसरा व्यू है इसमें आपका वेब। वेब में क्या हो जाएगा कि आपका जो पेज है वो बिल्कुल स्ट्रेस हो जाएगा और इसमें जो आपके पेजेज है वो सारे हट जाएंगे। मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ पेजेज हो गए आपके पास वो एक ही हो जाएगा, टोटल पेजेज आपके पास एक ही हो जाएगा। अगर वापस स्विच करेंगे आप तो नॉर्मल में, तो फिर आपका पेज दो हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पेज वन ऑफ टू। और फिर जो इसमें आपका थर्ड व्यू है, मेनली इसमें तीन व्यू है, वो आपका फुल स्क्रीन व्यू। तो शॉर्टकट कमांड कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से आपका ये आपका फुल स्क्रीन व्यू है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट को आप फुल व्यू में देख सकते हैं। इस तरह से आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो ये मेनली तीन व्यू थे। उसके बाद क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट, नए डॉक्यूमेंट को आप कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए स्टेप सिंपल स्टेप्स रहेंगे। फाइल मेनू में जाके आप यहाँ से न्यू न्यू में जाए, न्यू में जाने के बाद आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करें, या इसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल है नहीं, यहाँ से आप नया डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। इस तरह से आपका नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद है ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को आप कैसे ओपन करेंगे, तो इसके लिए पहले हम अपने इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं पहले, फिर उसी को हम ओपन करेंगे। तो डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करेंगे, तो सिंपली फाइल मेनू में जाके आप इसको सेव ऑप्शन पर क्लिक करें, कंट्रोल एस, और उसके बाद आप पाथ डिसाइड करें कि कहाँ आपने सेव करना है, जैसे डेस्कटॉप के ऊपर, और इसका कुछ आपने नाम टेक्स्ट फाइल के नेम कुछ डिसाइड करना है, जो भी नाम आप रखना चाहते हैं। तो जैसे इसका नाम रखेंगे हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और सेव इस टाइप आपका ODF रहेगा क्योंकि ये ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, ओपन डॉक्यूमेंट का है ये लिब्रे ऑफिस राइटर का। तो इसको सिंपली सेव कर दें इस तरह से। तो इस तरह से आपकी फाइल है जो वो सेव हो गई। तो ये इस तरह से आपकी फाइल सेव होगी, तो ये आपके डेस्कटॉप पे फाइल आ जाएगी। अब जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है तो आप सिंपली इसको यहीं से भी ओपन कर सकते हैं। सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ डबल क्लिक करें और इसके बाद आपकी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। इस तरह से ओपन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करेंगे, क्लोजिंग। तो क्लोज आप सिंपल यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट बंद करें, इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। तो अगर आपने ओपन करनी है, एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है, तो आप वैसे यहाँ से भी डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से ओपन फाइल यहाँ से चूज़ करें और डेस्कटॉप पे क्लिक करें जहाँ आपने सेव की हुई, यहाँ अपनी फाइल देखें आप, जहाँ भी आपने अपनी फाइल सेव की हुई उसको चूज़ करें और ओपन। इस तरह से एग्जिस्टिंग फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स ऑप्शंस थे जिसको आप ओपन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट व्यू आपने देखा, न्यू डॉक्यूमेंट को कैसे बनाते हैं, डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं, और डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करते हैं। अब इसमें जो एक लास्ट ऑप्शन है इसका नेविगेटर ऑप्शन, नेविगेटर ऑप्शन को कैसे यूज़ करते हैं ये देखो। सिंपली हम इसमें थोड़ी सी हेडिंग बना लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो राइट क्लिक करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे ये हमारी एक हेडिंग होगी, फिर इसके बाद यहाँ दूसरी सब हेडिंग बनाते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क, और फिर इसमें हम यहाँ पे तीसरी हेडिंग्स बनाते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब सिंपली हम इसको हेडिंग्स यूज़ करेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को सिलेक्ट किया, यहाँ से हेडिंग यूज़ की, जैसे सबसे पहले हेडिंग वन इसको साइज दिया, फिर दूसरा इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको हम हेडिंग टू देंगे, और फिर इसका सिलेक्ट किया और इसको फिर आप हेडिंग थ्री देंगे। इस तरह से हम हेडिंग थ्री। अब इसमें देखो हम नेविगेटर ऑप्शन को कैसे यूज़ करेंगे। नेविगेटर ऑप्शन आपको मिलेगा व्यू, व्यू में जाके नेविगेटर, या शॉर्टकट कमांड आपके पास F5 पे, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं।
तो नेविगेटर ऑप्शंस आपके पास इस तरह से आ जाएगी। तो कई बार ये डॉक्यूमेंट्स आपका इस तरह से स्विच हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जो ऑप्शंस यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो ऑप्शंस आपकी यूज़ होगी, जैसे मैंने इसमें हेडिंग्स यूज़ की हुई, तो हेडिंग्स में आपकी हेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट हाइलाइट्स हो जाएगी। यहाँ आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, ओनली जो आपका अप्लाई होगा वही हाइलाइट्स होगा, और आप इस तरह से भी इसको हटा के इस तरह से भी देख सकते हैं। तो लाइक प्लस के ऊपर क्लिक करें, आप प्लस में आगे इसमें देख सकते हैं टाइप्स ऑफ हेडिंग्स इस तरह से। अब इसमें आप टाइप्स ऑफ नेटवर्क, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, अब इसको स्विच कैसे करेंगे, जैसे सपोज करो आपने इस ऑप्शंस को, इसमें यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगी आपको प्रमोट चैप्टर और डिमोट चैप्टर, इसको आपने ऊपर ऊपर लाना है, तो यहाँ से आप इसको सिंपली प्रमोट चैप्टर करें इस तरह से। तो आपकी जो यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो ऑलरेडी पेज के ऊपर आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो उस पैराग्राफ में होगा वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी अगर ऊपर आपने इसको ले जाना, तो फिर आप इसको इस तरह से आप ऊपर हेडिंग यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से आप इसको नीचे भी ला सकते हैं, इस तरह से नेविगेटर की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं आप। तो कई बार ये ऑप्शन इस तरह से भी रहती है, जैसे इस तरह से खुला हुआ है, तो इसको आप जो डॉक करेंगे इसके साथ, डॉक्यूमेंट के साथ कैसे स्विच करते हैं, इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट F10 आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका स्विच हो जाएगा, और यहाँ से व्यू मेनू में जाके आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप नेविगेटर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो अभी इसके प्रैक्टिकल के स्टेप्स है उसको देखें आप, उसको कैसे यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकल के जो स्टेप्स हैं लिब्रे ऑफिस राइटर्स। तो इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया पार्ट ऑफ द मेन विंडोज़, टाइटल बार, मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, रूरल, वर्किंग एरिया, स्टेटस बार, वर्टिकल स्क्रोल बार, हॉरिजेंटल स्क्रोल बार। उसके बाद जो पार्ट्स ऑफ द मेन विंडो, टाइटल बार आपका ये है, मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ये आपका रूलर है, वर्टिकल स्क्रोल बार, यहाँ से डॉक्यूमेंट को आप अप डाउन कर सकते हैं, वर्किंग एरिया जहाँ आप काम करेंगे, स्टेटस बार जहाँ स्टेटस आपको बताएगा, और हॉरिजेंटल स्क्रोल बार। डॉक्यूमेंट व्यू आपके जनरली तीन तरह के, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट और फुल स्क्रीन लेआउट। तो फुल स्क्रीन लेआउट में आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J शॉर्टकट कमांड यूज़ कर सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट को कैसे बनाएंगे, ये इसके सिंपल स्टेप्स है, क्लिक ऑन फाइल मेनू, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, या शॉर्टकट कमांड कंट्रोल N यूज़ कर सकते हैं आप। ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करेंगे, ये क्लिक ऑन फाइल मेनू, न्यू ओपन, चूज फाइल देन ओपन, या इसकी जो शॉर्टकट कमांड है वो Ctrl+O है। डॉक्यूमेंट को आप कैसे सेव करेंगे, क्लिक ऑन फाइल मेनू, सेव, अपनी लोकेशन चूज़ करनी है कहाँ आपने फाइल रखनी है, फाइल का नेम डिसाइड करना है, और उस तरह से आप उसको सेव कर सकते हैं, Ctrl+S इसकी शॉर्टकट कमांड रहेगी। डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करेंगे, फाइल मेनू में जाके क्लोज पर क्लिक करें, आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा, या शॉर्टकट कमांड Ctrl+W आप यूज़ कर सकते हैं। नेविगेटर ऑप्शंस आपके पास, ये जो आपके पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है उसके साथ नेविगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसके साथ मैपिंग करने के लिए इसकी शॉर्टकट कमांड जो है वो F5 है। थैंक यू।